मेरे नबी ने फरमाया या माज अल्लाह उम्बियुका बिमिला के हादा कुल्ले, माज मैं तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं। कहा जी मा हुआ, क्या है? तो मुझे देखो सारे, आपने इसे जबान निकाली, यूं पकड़ा और फरमाया कुफ्फा, माज इस जबान को काबू में रखना। 90% इंसानी अखलाक जबान से जुड़े हुए हैं, घरों को, दिलों को, रिश्तों को जोड़ने वाली ये जबान है, घरों को, रिश्तों को, कौमों को तोड़ने वाली भी ये जबान है। एक मीठा बोल दिल खरीद लेता है और एक कड़वा बोल समंदर की कवाहट से बढ़ जाता। मेरे रब की कसम, मीठे बोल की मिठास पूरी दुनिया के शहद के जखीरों से ज्यादा है और कड़वे बोल की कड़वाहट सात समंदर की कड़वाहट से ज्यादा है। और मैं ये दर्द से कहता हूँ, नमाजी ढूंढने निकलो करोड़ों मिलेंगे, रोजे वाले ढूंढो करोड़ों मिलेंगे, हज वाले ढूंढो करोड़ों मिलेंगे, ज़कात वाले ढूंढो करोड़ों मिलेंगे, इलम वाले ढूंढो करोड़ों मिलेंगे, खानकाहों वाले ढूंढो करोड़ों मिलेंगे, अखलाक वाले ढूंढो, फिर जूतियां चटखा के थक हार के लौटोगे, कोई अखलाक वाला मिलेगा नहीं जिसे जबान पे काबू हो, जो गुस्से को पी सकता हो, जो अगले की सह जाए, जिसे झुकना आता हो, जिसे माफ करना आता हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें सखावत हो, जिसमें दयानतदारी हो। दुनिया फिर ली, जिंदगी गुजर गई, कब्र किनारे पहुंच गए, हर सिफत की उम्मत में शान देखी है, अखलाक की कमी देखी, बहुत कमी देखी। अरब अजम फकीर हैं, मेरे नबी वाले अखलाक का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये इस्लाम का सबसे मुश्किल चैप्टर है। मेरे नबी ने कहा सबसे वज़नी सबसे वज़नी चीज जो नामा आमाल में रखी जाएगी वो अखलाक। क्यों? कि ये जान पर वजन डालते हैं। एक आदमी आएगा, उसका तराजू ऐसे हो रहा होगा, ऐसे स्टेबल नहीं हो रहा, जब यूं जाएगा तो उसका दिल नीचे, जब यूं आएगा उसका दिल ऊपर, तो यूं हो रहा, अब वो मौत होती तो मर जाता, ये ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो। एकदम एक बादल आएगा और उसके सीधे हाथ वाले पलड़े में बैठकर उसको ऐसे कर दिया तो उसकी जान में जान आएगी, तो वो फरिश्ते से पूछेगा, वो बादल से कहेगा ये तेरे अखलाक हैं जो आज तुझे बचा के, ये तेरे अखलाक। नमाज नहीं कहा, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, कहे ये तेरे अखलाक हैं जो आज तुझे बचा के। भाइयों, बाजार में जो चीज कम होती है उसका रेट ज्यादा होता है, जो ज्यादा होती है उसका रेट कम होता है। मेरे नबी ने ये जो हमें अखलाक का सौदा दिया है, ये इंसानी मार्केट में है ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं का मतलब है बहुत कम है। जो मर्द औरत इसे ले लेगा बहुत बड़ी कीमत लगवा ले, बहुत बड़ी कीमत लगवा ले। तो मेरे नबी ने कहा जबान काबू में रखना। और माज वो हस्ती हैं जिनको आपने कहा क्यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा माज के हाथ में होगा, ये वो शख्स। और मैं 4 साल पहले जमात में उर्दन गया, उनकी कब्र पे गया तो खुशबू फैली हुई थी, मैं समझा चादरों की खुशबू जो कब्र पर पड़ी थी। तो एक साहब मुझसे कहने लगे ये खुशबू आपको महसूस हो रही, वो भी वहीं खड़े थे मज़ार में, खजी का ये चादरों से आप समझ रहे हैं? मैं खजियाँ का सूंगो, मैंने चादरों को सूंगा, कोई नहीं। उसने कहा ये कब्र से आ रही, जब से ये बंदा यहाँ सोया है ये कब्र से आ रही। 18 हिजरी में, 18, मैं 1434 में गया, 1416 साल हो चुके हैं और उस बंदे की कब्र से खुशबू आ रही, इतनी बड़ी हस्ती। और उनसे यूं करके समझाया कि माज ये जबान काबू में रखना। नौक नक्शा देखा है, 1000 साल पुरानी जिंदगी,
इंसान अपनी नेचर में मीठे बोल का मोहताज है और कड़वे बोल का जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांप के जहर का इलाज मौजूद है, कड़वे बोल का इलाज मौजूद कोई नहीं है। तो इन सब मस्तूरात से आपसे, अपने आप से कहता हूँ, हम अपनी जुबान के बोल को मीठा कर लें, ख़ासतौर पर रिश्तों के आगे, माँ बाप के आगे, बीवी के आगे, बीवी खामिंद के आगे, औलाद माँ बाप के सामने, माँ बाप औलाद के सामने। अपनी औलाद को भी इज्जत दो, मेरे नबी ने कहा अकरमू औलादकुम, अपनी औलाद को इज्जत दो, वो लौट के तुम्हारी तरफ आएगी। ओहो, बहुत से बच्चों की नाफरमानी में माँ बाप को दखल है, शिद्दत, ज़बरदस्ती, सख्ती। मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को क्या इज्जत देते थे, आप तशरीफ़ फरमाते, आप यूँ खड़े होते, फातिमा दाखिल हुई, आप खड़े होते, वहीं नहीं खड़े होते, आगे बढ़ते थे और यूं चूमते थे, बोसा लेते थे, फिर हाथ पकड़े 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 आकर उनको चारपाई पे बैठाते थे, उसके बाद खुद बैठते थे। ये मेरे नबी ने औलाद को इज्जत दे के देखा। तो औलाद को अपनी मिल्कियत समझ के रगड़ा दे देते हैं, वो बागी हो जाते हैं। रिश्तों में जबान का इस्तेमाल, ताल्लुक में जबान का इस्तेमाल, ये इंसान को ऊंचा और नीचा करने वाली बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जब कभी गुस्सा हो, चुप हो जाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं। गुस्से में आदमी सिर्फ नबी सही बोल सकता है, गुस्से में सिर्फ नबी सही बोल सकता है, बाकी किसी में ये ताकत नहीं कि गुस्से में वो सही बोल सके। लिहाजा चुप हो जाओ, गुजरने